केंद्रीय कैबिनेट ने सहकारिता दे खेत्र विच तीन अहम फैसले लए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ नवी दिल्ली विच अज हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के फैसलों संबंधी केंद्रीय किरत ते रुजगार मंत्री भुपिंदर यादव ने पत्रकारों नूं जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि 33 साल बाद तीन नवे सहकारी संघां की स्थापना का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सहकार तो खुशहाली की दिशा में एक अहम कदम है। भुपिंदर यादव ने कहा कि सरकार का जोर किसानों की आमदनी वधाने वाले और इस नाल कौमी पद्धर से मल्टी स्टेट सोसायटी के गठन का राह पदरा हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में ऑरगैनिक उत्पादों की बड़ी समर्था है और इस दे विस्तार ले ही यह फैसला किया गया है। कृषकों का आय में वृद्धि और उसके साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के साथ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेते हुए देश की ग्रामीण जो कृषि आय है उसको हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के उसके एक्सपोर्ट में हम वृद्धि करें, इसके लिए इस निर्णय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। भुपिंदर यादव ने कहा कि रुपए डेबिट कार्ड और घट रकम के लैन देन संबंधी भीम UPI उत्साहित करने लिए प्रोत्साहन योजना भी मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का माली खर्च 2600 करोड़ रुपए के, इस फैसले नाल डिजिटल व्यवस्था मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने आज रुपी डेबिट कार्ड तथा भीम UPI के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी है। हम जानते हैं पिछले 8 वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा इकोसिस्टम बना है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की वैल्यू जो 12 लाख करोड़ थी, इस संख्या को भारत के GDP के अनुपात में देखें तो ये लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए